अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबाजीमा व्लॉग्स। उम्मीद के तो सब खैरियत होंगे। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, इस टाइम मैं लिस्बन का जो ओरिएंट बस स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे खड़ा हूँ। आपको पहले दिखा भी तो पीछे, ये भाई ये मेन बड़ा जो है स्टेशन है, ट्रेन्स का भी और बसों का भी। जितनी भी इंटरनेशनल बस या ट्रेन जाती हैं वो यहीं से जाती हैं। तो आज मैं इधर आया हुआ था अपना क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए, जो पुर्तगाल का क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है। तो मैंने सोचा कि आपको भी अपडेट कर दें। काफ़ी लोग पूछते हैं, भाई हम क्रिमिनल सर्टिफिकेट कहाँ से निकलवाएं, बोल्ट का काम करने के लिए, उबर का काम करने के लिए, जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता। तो मैं खुद अपना निकलवाने आया हूँ आज, क्योंकि जैसे मेरी अपनी कंपनी है, TVD की भी है, फ्लीट भी है। तो जो ओनर होता है कंपनी का, उसको भी तीन महीने के बाद इसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। जो वर्कर है या ओनर है, सबको 3 महीने के बाद आपको नया अपना क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपडेट करना पड़ता है। तो मेरे जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट है उसकी एक्सपायरी 5 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो मेरी वो कंपनी की सारी वो आईडियाँ ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसलिए हमने कहा आज हम अपना क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी निकलवाते हैं और साथ को आपको भी दिखाते हैं कि हमने कैसे निकलवाना है। पहले आपको दिखा दूँ, इस तरफ से आपने इस तरफ को भाई आना है। ये बिल्डिंग देख लें, कोई लोग जो नए आते हैं उनको समझ नहीं आती ना एड्रेस की। तो वैसे भी आप ओरिएंट पे आके यहाँ पे लिखेंगे गूगल के ऊपर क्रिमिनल ऑफिस नियर बाय मी, तो इनकी यहाँ पे नियरेस्ट कोर्ट है, कोर्ट के अंदर ही क्रिमिनल ऑफिस है और वहाँ से आप जाके निकलवा सकते हैं। तो हम आज चलते चलते आपको गपशप भी करते हैं और साथ में आज आपको ये वाला एरिया भी दिखाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त और पॉश एरिया है, मुझे पर्सनली बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे आपके भाई का ड्रीम है कि ये यहाँ पे ऊंची सी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस हो, लेकिन अभी किराए बहुत ज़्यादा है, तो अभी भाई थोड़ा बजट में रहना है। एक बात आपने याद रखनी, ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहीं से आकर निकलवाना है, आप कहीं और से भी निकलवा सकते हैं। हर एरिया के अंदर इनका ऑफिसेज होते हैं, हर सिटी के अंदर इनके ऑफिसेज होते हैं। मैं इसलिए आया हूँ स्पेशली इस तरफ, क्योंकि ये लैंडमार्क ज़रा सबके नॉन में होता है, सबको पता है ओरिएंट का, और ओरिएंट से तकरीबन 300-400 मीटर इस तरफ को जो है ना वॉक करके जाना है और वहाँ पे ऑफिस है। तो इसलिए सबको जो है ना ओरिएंट का जो बस स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, मोस्टली जो हमारी देसी कम्युनिटी है उन सबको पता है ये स्टेशन कहाँ पर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से आपको जाके बताता हूँ, ताकि आप जाके ईजिली वहाँ से ले सकें। अभी रिक्वायरमेंट वहाँ पे कुछ इतनी हाई नहीं होती, उसमें आपका NIF नंबर आपके पास होना चाहिए, अगर आपको रेजिडेंट है तो रेजिडेंसी कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो पासपोर्ट चाहिए आपको, और 5 यूरो इसकी सरकारी फ़ीस है। आप जमा करवाएंगे तो उसी टाइम निकाल के दे देंगे, लेकिन सिर्फ जो सरदार हैं, जो इंडियन हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आती है, उनको सेम डे नहीं देते ये, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। हम जैसे पाकिस्तानी हैं, हमें तो मिल जाता है, लेकिन जो सरदार हैं मोस्टली सरदारों का प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि आज आप जमा करवा दो तो 3-4 दिन बाद आके ले जाना। उसकी रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसकी रीज़न ये है कि सरदारों के नाम जो आगे गुरविंदर सिंह हो गया, गुरमीत सिंह हो गया, गजिंदर सिंह हो गया, तो इनके नाम के आगे सिंह आता, तो काफ़ी ज़्यादा नाम जो है ना मैच कर जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि आज आप जमा करवा दो और 2 से 3 दिन के बाद आपको एक वो स्लिप दे देते हैं कि भाई आप आके फिर 2-3 दिन के बाद आप रिसीव कर लेना। ये रही सामने कोर्ट की बिल्डिंग है, आप ये याद रखें, इस बिल्डिंग के अंदर वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर वो ऑफिस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ऐसी जगहों पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी अंदर जाके, भाई ऐसी जगहों पर ये सरकारी बिल्डिंग में फिर कोर्ट है, तो हमारे कंट्री को भी अलाउड नहीं है, तो फिर यूरोप की कोर्ट है, तो ऐसी जगहों पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी। अभी हम भी बंद करते हैं, पहले हम अपना काम कर लें, बाकी का प्रोसेस आपको बाद में बताते हैं। ये राजी हमारा क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकला है, और इसका तरीका बताता हूँ। जब आप अंदर जाएंगे तो मशीन लगी होगी, मशीन के ऊपर आपने जो टोकन निकाला ना वो बी का निकालना है, बी लिखा होगा, ABCD, और जो बी वाला है ना, अगर तो अपॉइंटमेंट है तो ठीक है, अगर विदाउट अपॉइंटमेंट है तो आपने बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको वो विदाउट अपॉइंटमेंट वाली पर्ची निकल आएगी। अगर मशीन चल रही हो, अपॉइंटमेंट ना बंद की हो उन्होंने, अगर बंद की हो तो उसके ऊपर क्रॉस आ रहा था या मशीन बंद होती है, अगर मशीन चल रही है तो बी वाला ऑप्शन चूज़ करके आपने टोकन निकाल के बैठना है। मशीन स्क्रीन के ऊपर नेम चल रहे होते हैं, भाई कौन सा टोकन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। तो अभी हमने क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपना निकलवा लिया। क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकलवाते हुए अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उनको बताना है कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट पर मेंशन करें कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अगर तो बोल्ट की ID के लिए चाहिए, ऊबर ईट्स के लिए चाहिए, तो आपने वो ऊपर बताना है। जैसे मुझे IMT के लिए चाहिए था, और मुझे एक नई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी, मुझे मैंने 2 लिए हैं, एक मैंने लिया है कंपनी रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर करवानी है IMT में, एक जो ऊबर ऑपरेटर जो होता है, TVD ऑपरेटर होता है, ये 2 मैंने लिए हैं। तो आपने ज़रूर मेंशन करना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अभी भाई मुझे भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पी हुई है, और यहाँ पे मैंने गाड़ी भी देखनी है, यहाँ पे एक शोरूम वाले से बात की है, इधर ही पास में शोरूम है, तो
तो गाड़ी देखनी है हमें और इसी के साथ अपना व्लॉग करते हैं ख़त्म। ये थी कि छोटी सी अपडेट, मैंने कहा सोचा चलो मैं आया ही हुआ हूँ तो क्यों ना व्लॉग बना के पोस्ट कर दिया जाए। जो लोग बेचारे जिनको नहीं पता होता कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि बाइकों को मेरी खुद की बोल्ट की जो फ्लीट है उसके ऊपर लोग काम करते हैं, तो वो उनका यही क्वेश्चन होता है कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो भाई ये व्लॉग देख लेना और आगे जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए शेयर भी कर देना ताकि उनको पता चल जाए क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपने कैसे बनवाना और कहाँ से बनवाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट लास्ट भी कर दें। आप लोगों के कॉमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।